हेलो यूट्यूब एंड अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे फ्रेंड आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। ये देखिए फ्रेंड, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी हैंड एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। आइए सबसे पहले मैं इसकी डाल को बनाकर बता दूँ। इसकी डाल को फ्रेंड मैं रनिंग स्टिच में बना रही हूँ। ये देखिए कितना ईजी और कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। इस तरह से करने के बाद अब हमें वापस से इसी को इस तरह से इसके नीचे से सुई को गुजारना है, हमें कपड़े में टच नहीं करना है। इस तरीके की स्टिचेस मैंने आपको बहुत पहले भी बनाकर बताई है। ये देखिए इस तरह से कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। अब आइए फ्रेंड, मैं आपको इसकी लीफ भरकर बता दूं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इसकी लीफ को मैं स्टेम स्टिच में बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है। फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये देखिए एकदम से जल्दी बन रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है फ्रेंड, आप इसे कहीं पर भी बना सकते हैं, चाहे वो आपका हैंड फ्रेंड हो या आपकी कोई भी ड्रेस। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ जा करके स्लिप कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, आज की जो मेरी एम्ब्रॉयडरी है, ये मेरा फूल, ये थोड़ा डिफरेंट मैं बना रही हूँ। इस तरीके से मैं अपने थंब को यहाँ रखूँगी और इसी पर हमें इस तरह से नीचे की तरफ ले जा करके इस तरह से धागे को खींचना है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से, अभी देखिए इस तरह से हम यहाँ लगाएंगे और फिर इस तरीके से हमें नीचे की तरफ ले जा करके खींचना है और वापस से हम यहाँ निकालेंगे। इसी तरह से हमें 15 से 20 बार करना है इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड, मैंने रेड रंग का धागा लगा लिया है। अब यहाँ से मैं ग्रीन लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसे भी हमें इस स्वीप प्रोसेस से चलना है। अगर आपको उस तरीके से थोड़ा टफ लग रहा है तो आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, अगर आप यहाँ पर चाहें तो थंब की जगह कोई और चीज़ भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और चीज़ है तो, लेकिन मुझे थंब से बेटर लगा इसलिए मैं इसी से बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से हम यहाँ पर धागा निकालेंगे और अपनी उंगली को हटाएंगे इस तरह से। और अब हमें ये देखिए इसी तरह से इसे ऐसे लगाना है। इस तरीके से हम यहाँ पर एकदम ईजली हल्के हाथों से एक स्टिच लगाएंगे। इस देखिए इस तरह से हो गया और यहाँ पर एक स्टिच मैं और लगा देती हूँ जिससे कि ये खुले नहीं। इस तरह से अब आइए फ्रेंड, ये जो मैंने यहाँ पर येलो रंग का फ्रेंच नोट लगाई है इसे इस तरह से 3 बार हम इस तरह से करेंगे और यहाँ ले जाकर के सुई को नीचे की तरफ स्लिप कर देंगे बस। ये देखिए फ्रेंड, आज की जो हमारी डिज़ाइन थी फाइनली इस तरीके से बन करके तैयार हुई है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका फूल भी देखिए कितना खूबसूरत है। फ्रेंड अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।